थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. स्माइल कीजिए. काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो गया. दोबारा क्लैप कीजिए अपने लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स एंड अरेंजमेंट्स मेड बाय सर आरिफ एंड हिमनाल द बैंड. खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. खुदा ने आज फिर मौका दिया कलाम की गवाही आप सबके सामने शेयर कर सकूं. आज का जो टॉपिक है फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. मैं अभी यहाँ पर बैठा ये रियलाइज कर रहा था कि कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन बिलीव मी यहाँ पर बैठे बैठे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है. हालेलुया. सर अल्फ्रेड ने, सर नवीद ने, सर अयूब ने, सर आरिफ ने, सर वसीम ने और वर्शिप के जरिए भी यकीनन हम सब ने बरकत पाई है. वन ह्यूमन लाइफ इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड. रोजाना सीखने सिखाने का अमल है. हम खुदावंद के कलाम से नई नई उम्मीद और यूनिक बातों को सीखते हैं. आमीन. यकीनन आप सब ने बरकत पाई थी, पाई है और हमेशा पाते रहेंगे. टॉपिक है फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट. व्हाट इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है. मुकद्दस पालूस रसूल इस बात की तस्दीक करता है, एवरी इंडिविजुअल जो यीशु मसीह पर बिलीव करता है वो गॉड गिफ्टेड है. आमीन. एक दूसरे से कहिए आपके पास बहुत बड़ा गिफ्ट है. आप अपने गिफ्ट को फाइंड कीजिए. हम किसी चीज को उस वक्त फाइंड करेंगे जब हमें उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो. सो हमारे पास रूहानी जो गिफ्ट है, जो नेमत है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. रूहानी नेमत क्या है? हम इसको यूं कह सकते हैं, खुदा अपने एट्रीब्यूट को, खुदा अपनी सिफ्त को, खुदा अपनी सिफ्तों को ईमानदार मसीहियों के जरिया कलीसिया की तरक्की के लिए जो अपना एट्रीब्यूट यूज करता है वो हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट है. आमीन. एमाल 1:8 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब रूहुल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे. कुवत. और ईते पैंतीकोस के दिन 120 की जमात ने उस कुवत का, उस नजूल का तजर्बा हासिल किया. और जब मुकद्दस पत्रस रसूल उस कुवत से भरपूर होकर वास करता है तो खुदा ने जो एट्रीब्यूट अपना उसके अंदर रखा, जो गिफ्ट रखा, उसके जरिया बहुत से लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. सो जब हम एक ईमानदार मसीही रूह अल-कुद्स से मामूर होता है तो वो कुवत हासिल करता है और इस कुवत का इजहार रूहानी नेमतों के जरिए होता है. अगर हम बाइबल मुकद्दस पढ़े, मुकद्दस पालूस रसूल ने एफसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत 4 में और करंथियों की कलीसिया के नाम लिखा गया 1 बाप, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत उसके 12 में और 1 पत्रस उसके 4 में, मुकद्दस पत्रस रसूल रूहानी गिफ्टों के बारे में बात करते हैं. अगर हम इन गिफ्ट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो जो पहली कैटेगरी बनती है वो एफसियों 4 और उसकी 11वीं आयत में बनती है और वो है एस्टैब्लिशिंग गिफ्ट्स, जिसमें बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उसने बाज को रसूल, बाज को बलिए नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, खिदमत गुजारी का काम हो और मसीह का बदन क्या पाए, तरक्की पाए. मुमकिन है आप में से यह गिफ्ट खुदा ने किसी को दिया हो. इस गिफ्ट के मुतालिक जानिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन आपको इस गिफ्ट के मुतालिक सोचना है और
इसके करीब जाना है, लोगों के पास जाइए, लोगों के साथ इन्वॉल्व होइए, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज के बारे में आप दुआ करना शुरू कीजिए। यकीनन खुदावंद आपके गिफ्ट को आप पर अया करेगा। आमीन, हालेलुया। नंबर दो, सपोर्टिंग गिफ्ट्स। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखे गए खत 12वें बाब में सपोर्टिंग गिफ्ट है, प्रोफेसी है, मिनिस्ट्री है, काउंसलिंग है, मर्सी है, बहुत से और भी गिफ्ट्स वहां पर लिखे हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी की काउंसलिंग करने में है, अगर आप ये समझते हैं कि जो एक शख्स इनकरेजमेंट किसी दूसरे की कर रहा है मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, तो खुदा ने आपके अंदर एक अच्छा काउंसलर होने का गिफ्ट रखा है। आमीन। अगर आपका दिल चाहता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, गिविंग करूं, सखावत से आप देते हैं, तो आपके अंदर खुदा ने गिविंग का गिफ्ट रखा है। अपने गिफ्ट को आपने खुद पहचाना और उस पर आपने मेहनत करनी है। नंबर तीन, अगर हम गिफ्ट्स की बात करें होली स्पिरिट के, तो नंबर तीन पर जो गिफ्ट्स आते हैं वो मिनिस्ट्री रिलेटेड गिफ्ट्स हैं। खुदा ने विजडम दी है, नॉलेज दिया है, खुदा ने अपने लोगों को फेथ दिया है, खुदा ने अपने लोगों को मिरेकल्स की पावर दी है, खुदा ने गैर जुबानों का तजर्बा, गैर जुबानों का तर्जमा दिया, खुदा ने रूहों को परखने का इम्तियाज दिया है। आप अपने गिफ्ट को पहचानिए, आपके पास कौन सा गिफ्ट है, और उसके मुताबिक आप दुआ करें, खुदा से कुवत मांगे, और उन गिफ्ट्स का इजहार खुदावंद आपके जरिया करेगा। आमीन। बहुत से लोग समझते हैं शायद गिफ्ट और जो टैलेंट है वो सेम है। जो हमारा फिजिकल एबिलिटी है कोई भी चीज खास करने के लिए वो हमारा टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट। लेकिन जब खुदा स्पिरिचुअली हमें किसी चीज के एबिलिटी देता है वो हमारा रूहानी गिफ्ट है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वो किसी बीमार की ट्रीटमेंट कर सकता है, मेडिकेशन कर सकता है, ये उसका नेचुरल टैलेंट भी है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात करें तो मुकद्दस पत्रस रसूल, अगर हम तीसरे बाब अमाल तीसरे बाब की छठी आयत को पढ़ें तो वो वहां पर मुकद्दस पत्रस रसूल ट्रीटमेंट नहीं करता, उसके पास रूहानी गिफ्ट है और वो कहता है चांदी और सोना मेरे पास तो नहीं है लेकिन मेरे पास इस बड़ी पावर है। हालेलुया। और क्या नाम है उसका? यीशु मसीह नासरी है। मैं तुझे उसी के नाम से हुक्म देता हूं, उठ और चल फिर। अपने गिफ्ट को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। 2019 में अगर आप अपना टाइम और अपना टैलेंट गिफ्ट यीशु मसीह को देंगे तो यकीन रखिए जिसने वक्त पैदा किया है, जो जिसको आप वक्त देंगे वो 2019 में आपके वक्त को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। सो हमारा ये टैलेंट जा भी सकता है। अगर हम मत्ती की अंजील 25वां बाब पढ़ें तो एक शख्स की वहां पर स्टोरी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आखिरी बात करूंगा। एक शख्स जिसने अपने टैलेंट को दबा दिया, उसका टैलेंट उसके मालिक ने उससे ले लिया। अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, उसको पॉलिश नहीं कर रहे, तो मे बी आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट आपसे ले लिया जाए। अपने गिफ्ट को पॉलिश कीजिए ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी से बहुत सा फल लाए। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे और सीखने सिखाने का अमल हम सब के साथ जारी रहे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।